कैबिनेट ने क्लियर किया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा, अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परिसीमन के बाद होगा, अभी तो जनगणना नहीं हुआ है तो परिसीमन किस आधार पे होगा, ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं, अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसको बात रखेंगे। 50 साल तक उनको मौका मिला था राज्यसभा में, लोकसभा में दो दो तिहाई, तीन तीन चौथाई तक बहुमत कांग्रेस के पास रहा। भारत के बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमन एम्पावरमेंट के लिए कांग्रेस ने तो ये काम नहीं किया। जब मोदी जी आज सभी प्रगतिशील कामों को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले कामों को कर रहे हैं तो कांग्रेस जबरदस्ती बीच में आती है। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करने की ही कोशिश हमेशा की, मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम। नमस्कार, मैं हूं रेणु तिवारी और आज हम बात करेंगे मुद्दा आज तक में नारी की बढ़ेगी भागीदारी। जी हां, संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है और जिसे लेकर दोनों पार्टियां हैं जो अपनी राजनीति कर रही हैं, दोनों पार्टी का एक अपना मत है और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैं अपने मेहमानों से आप सभी का परिचय करा देती हूं। मेरे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा जी। जी ममता जी नमस्कार। कांग्रेस से हमारे साथ है गजाला खान जी। जी गजाला जी नमस्कार। और बीजेपी से हैं हमारे साथ पूजा विधानी जी। जी आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी पूजा जी, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और बीजेपी का कहना है कि पिछले 50 साल से कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो आज मोदी जी अच्छे काम करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे महिलाओं की वाकई में भागीदारी बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जब से वो प्रधानमंत्री के तौर पे इस देश के महिलाओं का आरक्षण की बात करूं, चाहे गरीब और मध्यवर्गीय बहनों के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार उनकी सोच है और उन बहनों को सशक्त करने के लिए अनेक सारी योजनाओं उन्होंने निकाला, जन्म से लेकर बच्चे के ब्याह तक के और गर्भवती बहनों के लिए, चाहे वर्किंग वुमेन्स के गर्भवती होने के उनका जो छुट्टियां होती उनके लिए, और इस देश के प्रधानमंत्री के नाते जो है उन्होंने हमारे देश के प्रेसिडेंट जो है एक गरीब तबके की और पिछड़ा वर्ग महिला को जो है द्रौपदी मुर्मू जी को उस आसन पे बैठाला है, तो उनको इनकी लगातार हरदम सोच है कि देश की बहनें जो है आगे बढ़े, देश की बहनें सशक्त हो, राजनीतिक में अच्छी बहनें आए, उनकी भागीदारी बढ़े, वो सशक्त हो। इस सोच के साथ महिला आरक्षण बिल को आज उन्होंने पेश किया है। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, बहनों के लिए बहुत बड़ा उपहार है आज के दिन जो है, ये इतिहास में एक स्वर्णीय अक्षरों में लिखने का दिन है, क्योंकि कांग्रेस ने 50-70 साल राज किया है पूर्ण बहुमत के साथ, उसके बाद भी कभी इनकी सोच नहीं रही है कि बहनों के लिए कुछ करे, बहनों के लिए आगे बढ़ाए, उनको सशक्त करे, लेकिन सिर्फ उन्होंने राजनीतिक किया है और इस देश पे जो है राज किया है, एक परिवार ही इस देश में राज किया है, और कांग्रेस की सोच कभी नहीं रही है कि गरीब और मध्यवर्गीय और महिलाओं के लिए सोचने का काम नहीं किया। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार की ही बात करूं, जो कांग्रेस की भूपेश सरकार है, बहनों को ठगने का काम किया है उन्होंने, चुनाव के पहले जो है उन्होंने बहनों को ये वादा किया था आज हम, हम बिल पे बात कर रहे हैं, आज हम आरक्षण पे जो बिल लागू हुआ है, कांग्रेस की हरदम नीति रही है कि सिर्फ ठगने का और बहनों को उत्थान के लिए कभी उन्होंने नहीं सोचा। आज जो है जब मोदी जी आरक्षण बिल को सामने लाए हैं, अभी भी उनको पूर्ण रूप से ये मतलब वो नहीं है कि ये बिल हमारे हाथ में आ गया। अभी एक और मैम इसके पहले एक डिबेट में थी, कांग्रेस की बहनों का कहना है और आम 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 आदमी पार्टी के बहनों का ये कहना है कि जब हमारे हाथ में वो बिल आ जाएगा, पूर्ण रूप से पास हो जाएगा, तब हम सोचेंगे कि ये बिल पास हो गया। चलिए मैं इसी पर चर्चा करती हूँ गजाला जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये हमने लाया है, ये हम महिलाओं के लिए बहुत सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, और वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि ये बिल तो हमने बहुत पहले से लिया था, हमारे समय में जो इंदिरा गांधी थी उस समय से ये बिल को हम महिलाओं की सशक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका क्या मत है इस पर? हमारा मत हमेशा से यही रहा है कि हम महिलाओं को आगे लेकर आए। सबसे पहले मैं पूजा जी को बताना चाहूंगी कि अभी ये आखिरी में जो बोलते बोलते रह गई, हमेशा एक्ट लेके आते हैं मगर पास होते होते रह गया, तो मैं हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट के तौर पे कांग्रेसियों के तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, बढ़ चढ़ के यही कहना चाहेंगे बिल्कुल समर्थन के साथ कि आप ये एक्ट पास कीजिए, क्योंकि ये एक्ट कोई नया नहीं है। हम लोगों ने जब हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी 1992 से ये एक्ट लेके आए थे, 2010 में हमारे मनमोहन सिंह जी ने इसे पास कराने की पूरी कोशिश की, उन्होंने राज्यसभा में पास भी करा ली थी, पारित करा ली थी, बट कुछ कारणों की वजह से या कुछ लोगों का उसमें समर्थन ना होने की वजह से वो अधूरा रह गया। लेकिन उसके बावजूद आगे चलते चलते हर बार महिलाओं को लेकर सारे मुद्दे उठते गए इस एक्ट के बारे में। ये कोई नया नहीं है, हमेशा से ये हमारी सोनिया गांधी जी का सपना रहा है कि महिलाओं का आरक्षण बिल पास हो। और पूजा जी जैसे बोल रही है ये पास होते होते रह गया, तो हम भी देखना चाहते हैं, हम भी समर्थन करना चाहते हैं, बल्कि ये चुनाव के समय में क्यों हो रहा है, ये और पहले हो जाना चाहिए जब हम लोगों को इस चीज की जरूरत थी। अभी हाल ही में हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं के ऊपर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जहां महिलाएं रोड पे बैठी, रोई, गिड़गिड़ाई, महिलाओं के साथ रेप हुए, उस समय ये एक्ट क्यों नहीं पास हुआ? अभी स्पेशल सेशन चालू करके ये पार्लियामेंट में ये सीजन पास होने वाला है, तो हम चाहते हैं, हम बढ़ चढ़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये पास हो। ममता जी, जिस तरीके से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप महिलाओं को लेकर बहुत मुखर रहती हैं, तो मेरा एक सवाल है कि दोनों पार्टियां जिस तरीके से कि 27 साल लग चुके हैं इस बिल को पास होने के लिए, 27 साल का एक लंबा सफर तय होके आया यहाँ पर, तो इससे कितना फायदा होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी जो महिलाओं का प्रतिशत है वो एक बढ़ रहा है वहां पर जिस तरीके से, लेकिन ये आरक्षण के अंदर आरक्षण की एक बात कही जा रही है, इससे कितना फायदा हो सकता है महिलाओं को? देखिए रेणु जी, पहले तो जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे कहा जा रहा है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं महिलाओं की प्रतिशत जो बढ़कर के आएगी लोकसभा, विधानसभा, सारी राजनीति में, तो महिलाओं का एक मुखर कहीं ना कहीं एक प्रभाव रहेगा, योगदान रहेगा। आज बात यहां पर हो रही है, लगातार मैं सुन रही हूं, भाजपा और कांग्रेस ही दोनों अपनी बातें रख रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास तो पूरी बहुमत थी तो उन्होंने इस प्रस्ताव को, विधेयक को पास क्यों नहीं किया, पहला क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात, बहाने तो होते रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की परंपरा चली आ रही है। बात अभी भी निकल करके है कि जिस तरह से क्वेश्चन उठ रहा है कि अभी लागू नहीं होगा इस वर्ष के चुनाव में, तो इसका क्या फायदा? देखिए, चुनाव में लागू नहीं होएगा, बहुत सारी चीजों के पीछे उसकी बहुत सारी तैयारियां होती है। हमारा एक्ट अधिनियम कहता है कि इसके बिफोर हमको जो सारी तथ्यात्मक जानकारी, आंकड़े एकत्रित करने हैं, अगर मैं बात करूं हमारा क्वांटिफाइबल जो डाटा होता है कि जिस तरह से एक समाज में महिलाएं कितनी हैं, उनकी जनगणना, उसके बाद परिसमन होना, तो ये बहुत आसान सा मुद्दा नहीं है। ये होना था, कहना चाहती हूं, अभी जनगणना के अकॉर्डिंग ये मैं बात कर रही हूं। देखिए कभी ना कभी तो प्रस्ताव या विधेयक पास होगा, अगर उस समय नहीं हो पाया, कुछ बातें दिशाहीन हो गई, तो हो सकता है इसके लिए अतिरिक्त एक बुला करके चुनाव के समय ही क्यों, ये पूरा षड्यंत्र, बीजेपी सरकार का पूरा षड्यंत्र है। गजानन जी, मैं आपसे सवाल उठाऊंगी, सवाल मैं अगर देखिए, अगर ये षड्यंत्र है तो आप ये बताएंगी कि कहीं ना कहीं तीन तलाक का मामला मोदी जी ही ने लेकर के उठाया। अगर हम साबरमती इसका मंदिर की बात करें कि वहां पर महिलाओं को प्रवेश का, तो वो भी मोदी जी ने उठाया। तो ये सारी चीजें महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक विजन है। अगर किसी व्यक्ति के पास, वो प्रधानमंत्री है कि वो देश का एक हितैषी है, अगर विजन है तो वो उसके लिए प्रयास करता है और वो प्रयास एक ना एक दिन सक्सेस होता है। चलिए, जरूरी बात है ममता जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप तीनों महिलाएं इसके लिए समर्थन में हैं, और आप लोगों को ये बहुत बधाई है कि आरक्षण जो बिल विधेयक महिलाओं के लिए पास हुआ है उसमें आप तीनों महिलाएं हैं और तीनों चाहती हैं कि जल्दी से पास होना चाहिए। पूजा जी, मेरा सवाल आपसे है, बिल तो पास पहले भी हो चुका है पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायत में जो प्रतिशत है, लेकिन उसके बाद की स्थिति भी ये होती है कि आम तौर पे महिला जो उनके लिए जो स्थान होता है वो चुनाव जीत भी जाती हैं, तो उनके पार्षद पति या पंचायत स्तर में उनके पति लोग काम करते हैं, तो क्या ये वाकई में इस तरीके से जब होता है तो क्या ये फायदा डायरेक्ट हमें महिलाओं को मिलता है? नहीं, देखिए ये तो ये पर्सनल तौर पे जो है बहनों को भी सोचना चाहिए, राजनीति की में आती हैं, घर की जब होम मिनिस्टर वो होती हैं तो बाहर भी मतलब बहनें इतनी सशक्त है कि घर संभालते हुए आजकल राजनीतिक में और सोशल वर्कर के तौर पे भी काम कर रही हैं, तो बहनों को ये होना चाहिए अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। कहीं कहीं पुरुष प्रधान देश है हमारा, इस पुरुष प्रधान देश में जो है बहनों को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हैं,
पुरुष जो है, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीतिक में बहनें आती हैं तो उनको ये इंडिपेंडेंट देना चाहिए घर से जो है, उनके पति को, उनके भाई को, उनके पिता को जो है कि मैं एक बात रख रही हूँ कि ये सिर्फ परिवार को ही नहीं देना चाहिए, किसी भी पार्टीगत एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि पार्षद या सरपंच या विधायक महिला चुनी गई है तो वही उस सारी प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगी। क्योंकि आज आप देखेंगे तो मैं MIC में मीटिंग में देखती हूँ तो पूरे पार्षद पद ही बैठ के हल्ला मचाते रहते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो राजनीति का जो एक सिस्टम है वो विरोध का और गुंडागर्दी की ओर बढ़ गया है, उसको संयमित होना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मतलब एक हंगामे के तौर पे ही समापन होता है। तो मेरा कहना है कि महिलाओं को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती कि वो काबिलियत लेकर के आए। या तो अभी आज जो हो रहा है आज के समय में, मैं बार बार यही देखती हूँ कि हम जातिगत कि यहाँ OBC बाहुल है, ये साहू बाहुल है, ये यादव बाहुल है या ये ब्राह्मण बाहुल है, तो इस जगह पे उनको रख दिया जाए, उनकी काबिलियत है या नहीं है इस चीज पे गौर नहीं किया जाता। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं राजनीति में जो परेशानी आती है, जितना फायदा महिलाओं के होने की वजह से महिला समाज को मिल सकता है वो नहीं मिल पाता। और ये मैंने बहुत लंबा अनुभव मेरा 30-32 साल का मैंने लगातार देखा है कि महिलाएं राजनीति में, उनको आरक्षण दे भी दिया जाए तो काम करने के लिए उनको कहीं पर भी सहूलियत नहीं दी जाती। तो ये बातें दोनों दलों में मुझे और सभी दलों में दिखाई देती है, लागू भी हो गया क्योंकि आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में भी ये चीजें देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से महिलाएं जीत जाती हैं, महिला उम्मीदवारों को स्थान भी दिया जाता है, महिलाओं को टिकट भी दिया जाता है, बट उनके पति या उनके घर के परिवार के लोग ही उनका पूरा काम करते हैं, वो तो शायद पूरे 5 साल दिखती भी नहीं है। हाँ, कहा जाए तो कुछ कथन यहाँ तक सत्य भी है, लेकिन इसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है जहाँ तक मुझे समझ आता है। मैंने भी काफी टाइम पार्टी क्यों नहीं, महिलाओं को खुद से बढ़ के आगे आना पड़ेगा, जो खुद आगे ना आके अपने पतियों को आगे करते हैं, जो आगे आने लायक नहीं है उसको आगे क्यों लेके आते हैं। महिलाएं अगर रिजर्व है तो वो महिलाओं के लिए है, वो चुनाव में खुद घूमती हैं। मैडम, उनको टिकट खुद मांगती है, वोट खुद मांगती है, वोट देती है। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ महिलाएं भी इतनी एक्टिव है, और महिलाओं की वजह से आप देख ही नहीं होंगी, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष की देख लीजिए जो हमारे अभी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाती है जाके, हमारी किरणमयी नायक है जो महिला अध्यक्ष है उनको देख लीजिए, ऐसा नहीं है महिलाओं वही को आगे अध्यक्ष है वही है, आप दो ही, दो पद में एक ही बात कर रहे हैं। महिला अध्यक्ष अलग है जो हमारे राज्यसभा सांसद भी है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि दोनों पार्टी, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी से पूजा जी बैठी है और कांग्रेस से आप बैठी है, दोनों पार्टी अपने जब भी महिलाओं को इस तरीके से जब उम्मीदवार बनाती है तो ये नियम उनके ऊपर में लागू क्यों नहीं करती है कि आप ही वर्क करेंगे, आप किसी के मतलब पार्षद पति या अपने पति का पति को प्रतिनिधि बना के पूरा काम नहीं करेंगे। ये तो पर्सनल क्वेश्चन है, वो महिलाओं को खुद से आगे आना पड़ेगा, पार्टी का नियम है, महिलाएं चुनाव अगर लड़ रही है तो महिलाएं ही बाहर आती, महिलाएं काम आता है, फील्ड से सारी रिपोर्टिंग उसके पति करते हैं, चुनाव में सारा कुछ डिसाइड उनके पति करते हैं। तो महिलाओं को आपने आरक्षण दे भी दिया लेकिन उनको कहीं से वो क्वालिटी, जो महिलाओं की आरक्षण की बात हो रही है मैडम, एक तरफ महिलाओं के विरोध के भी में विरोध विरोध पार्टी की नीति अगर है, उसमें मेरा ये कहना है कि महिलाओं को खुद से बढ़ के आगे आना पड़ेगा, खुद से ये चीज करना पड़ेगा। जो महिलाएं आगे है महिलाएं पार्टी कहाँ टिकट देती है मैडम, जो महिलाएं हैं महिलाओं को देती है मैडम, यही छत्तीसगढ़ में है, मैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा निकाल लीजिए, पोस्ट का आंकड़ा निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ महिलाएं सीट थी वहाँ वहाँ महिलाएं ही टिकट चुनाव लड़ी है, और महिलाएं पार्षद है, विधायक है, कई जगह में ऐसा भी है कि पति के जगह में महिलाएं लड़ी हैं, कई जगह में स्व सहायता समूह के जरिए महिलाएं इतनी काम कर चुकी हैं कि उस क्षेत्र में महिलाओं का ही डिमांड हुआ है और महिलाएं ही लड़ी हैं। और मेरे को नहीं लगता ये किसी और पार्टी में हुआ है, जो 15 साल के बाद ये हमारी सरकार आई गवर्नमेंट कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस में महिलाएं ही जो एक इतनी ज्यादा स्व सहायता समूह या बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हुई है, महिलाओं को इतना सारा काम मिला है कि वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी, उनका सेल्फ डिफेंस, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ चढ़ के आया है और वो काम कर रही है। ममता जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो आरक्षण है वो कहा जा रहा है आरक्षण पे आरक्षण है, मतलब ये ST SC का जो 33% है उसी के अंदर का ये आरक्षण माना जा रहा है, ये क्या लॉलीपॉप की तरीके से है महिलाओं के लिए? देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है कलेक्शन करना पड़ेगा,
जब तक जनगणना नहीं होगी ये पॉसिबल नहीं, और उसके बाद परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण डिसाइड किया जाएगा कि किस एरिया में कितने हाँ रख सकते हैं। तो बात ये टाइम टेकिंग वाले है। देखिए रेणु जी, किसी भी नए आप अगर रेल बिछाने की, रेल आप चलाने की बात कर रहे हैं, तो पहले पटरी बिछाने की तैयारी होनी चाहिए। तो वो तैयारी इनको पहले करनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि चूक है, लेकिन देर है। यही बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस को बोलते हैं 70 साल में क्या किए, 50 साल में क्या किए, तो मैं पूछना चाहूंगी मोदी जी ने इतने सालों में क्या किया? अगर बहुमत की सरकार थी, मगर आपके पास बहुमत की सरकार थी, इसलिए राज्यसभा में वो 2010 में पारित हो चुकी थी, कुछ बहुमत नहीं आई, लोकसभा नहीं हो पाई, सुरक्षित रख। आप पुराना हिस्ट्री जाके खंगालिए मैडम, उसमें ऐसा है कि राज्यसभा में मनमोहन जी जब थे हमारे यहाँ, तो राज्यसभा में वो 2010 में वो पारित हो चुके थे, उसके बाद कंटिन्यू विस्तार से इस मुद्दे 2010 से 2023, मतलब ये ऐसा इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी पड़ी? गजाला जी, मैं आप ही से सवाल करी, इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी पड़ी? कंटिन्यू इसका जवाब मैं ये देना, आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया लगातार? राहुल गांधी जी ने, आप उनका ट्विटर चेक कीजिए, उनका संसद भवन का सवाल चेक कीजिए, लगातार ये सवाल उठते रहे हैं, और ये कोई नया सवाल नहीं था, नया एक्ट नहीं था जो ये चुनाव के समय में। मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर ये एक्ट पास करना था, सरकार बीजेपी की थी, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, हमारे पास 100 संकटें आई अभी सरकार आने के बाद, अगर ये एक्ट पास करना था तो जनगणना के लिए हमारे पास बहुत सारा समय था, अभी तक ये एक्ट पास हो जाना चाहिए था, और हमारी महिलाओं को ये आरक्षण मिल जाना चाहिए था, और हमें इसका फायदा मिलता रहता। ये रणनीति राजनीतिक है, जो एकदम ऐन मुद्दे पे, ऐन चुनाव के टाइम पे ये एक्ट लाके पूरा भड़काया जा रहा है, पूरा फैलाया जा रहा है, ताकि महिलाएं एक्टिव, मतलब जो नहीं जान रही हैं बेचारी महिलाएं, अभी बात हो रही थी कि महिलाएं आगे बढ़ के नहीं आ सकती, बहुत सारी महिलाएं ऐसा है जो चुनाव तो लड़ती हैं, पोस्ट तो मिल जाता है, मगर वो काम नहीं करती, उन लोगों की होती है नॉलेज की कमी, उन लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि आगे हो क्या रहा है उनके साथ। उस स्थिति में स्थिति ये बनता है कि उनको बस ये समझ में आएगा कि हमारे लिए ये काम हो रहा है, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि अभी जनगणना बचा है, ये काम पहले हो सकता था। हमारे पास जो विपत्ति आई, लाइन टू लाइन जो हम फेस किए हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के गर्व हुआ करती थी, जो सड़कों पे रोई हैं, पटकाई हैं, जिनके साथ रेप हुआ है, जिनको 100 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, अगर ये एक्ट या कानून उस समय बन गया होता, तो आप बताइए हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे घर में क्या महिलाएं आप सेफ नहीं होती? महिलाएं जो कहीं से रेप हुई या कहीं से प्रताड़ित हुई, उस पर इस एक्ट का कोई, ये एक्ट का कोई लेन देन? महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए अगर आरक्षण मिल रहा था, एक्ट का उससे कोई लेना नहीं होता। कांग्रेस किसी भी तरह सलाह नहीं लिया जा रहा है संसद भवन में कि क्या करना है क्या नहीं। ये अचानक से गजाला जी, आप ये कहना कहिए कि अगर महिलाओं के प्रतिशत बढ़ेगा संसद में, तो ये हो सकता है कि महिलाओं के पक्ष में कुछ बातें ज्यादा फैसलाएं होंगी, सवाल आएंगे, सवाल आती है। अभी महिलाओं के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ पे नहीं हो पा रहे, वो होंगी महिलाओं। पूजा जी, जी गजाला जी, एक मिनट जी। पूजा जी, जिस तरीके से आप पर विपक्ष कह रहा है कि ये आप लोगों ने राजनीति के तहत किया है, और ये इतने साल के बाद में अचानक आपका चुनाव था, और चुनाव में आप महिला प्रतिशत, अपना वोट ऑफ प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें हुई हैं, क्या ये सच मान रही हैं? नहीं नहीं सुनिए, इसके पहले भी हम डिबेट में बैठते थे, ये कांग्रेस की बहनें ही बोलती थी कि मोदी जी बैठे हैं तो आरक्षण बिल क्यों नहीं ला रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि आप पहले की रणनीति क्यों नहीं तय किए हैं, चुनाव के समय आपने लाया है करके सब बात यही करते हैं। और 36 जो हमारी कांग्रेस की बहन बोल रही है रेप की स्थिति है, वो से आरक्षण बिल का कोई मतलब नहीं है। और रेप की और अजादकता का बात करूं तो 36 में सबसे ज्यादा केसेस, अगर किसी भी तरह का महिलाओं के लिए अगर कोई एक्ट पास हो रहा है, तो वो पहले क्यों नहीं होता, वो चुनाव के समय क्यों होता है? और रही बात आरक्षण की, ये एक्ट पास होने की हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं वो हो, हम अभी भी बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ जवाब किए, हम चाहते हैं ये एक्ट पास हो, हमारा पूरा समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन, स्वागत करना चाहिए, बिल्कुल स्वागत किया जा रहा है, विरोधाभास की बातें करना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ा हमारी खुशकिस्मती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहनों के लिए सोचते हैं, और दृढ़ निश्चय के साथ जो है ये महिला आरक्षण बिल को पास करने का काम किए हैं। अन्य दलों ने आज तक इस देश में कभी भी बहनों के लिए नहीं सोचा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, जो बहनों के लिए सोच के जो है इस बिल को पूर्ण रूप से पास करने के लिए संसद में आ गया है,
और आप देखेंगे कल की एक सुबह ऐसी होगी हमारी किस्मत कि ये पूर्ण रूप से पास हो गया, बहनों को जो है इसका आरक्षण का फायदा मिल रहा है, ये अपने को सुनाई देगा बिना कुछ कहे कोई। मतलब इसके पहले भी हमारे राजनीतिक दलों ने अनेक बातें किए थे कि मोदी जी इस बिल को कभी आने नहीं देंगे, लेकिन आज जब वो बिल पास हो गया है, आ गया है, तो ये बहनें बोलती हैं कि देखिए पूर्ण रूप से हम पढ़ना चाहते हैं, जी बिल आने दिए होते तो इतना लंबा समय नहीं लगा होता, सरकार मोदी जी की है, अगर वो चाहते, बस हम यही कहना चाहते हैं कि एक्ट बिल्कुल पास हो, हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन अगर मोदी जी एक्ट पास करने देना चाहते तो ये बहुत पुराने समय में हो गया होता, इतना लंबा प्रोसीजर हमारे सामने हमको फेस नहीं करना पड़ता। ममता जी 50-70 साल आप लोग पूर्ण बहुमत में देश में राज किया है, अगला सवाल आपसे है, काम किया है बहनों को, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है आप लोगों ने, पूजा जी कोई मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी आप लोगों की कि बिल पास करने के लिए। ममता जी जिस तरीके से बात हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि 2024 से लागू होगा, कई और इधर छत्तीसगढ़ सरकार का कहना यह है कि अभी हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो हम सोचेंगे और ये हो सकता है 2027 से, के लिए ये इस तरीके की जब बात आ रही है सामने, तो क्या ये 2024 मतलब अभी चुनाव के आसपास लागू हो सकता है, टेक्निकली कहाँ पर रोड़ा हो सकता है ये 2024 में रुकने के लिए, जिस तरीके से आप बार बार बता भी रही हैं इस चीज को लेके कि एक पहले से एक आप तैयारी होती है सब चीजों के लेके, तो क्या इतना हार्ड एंड फास्ट ये नोटबंदी की तरह ही होगा क्या? जिसको आपको एक बंद कमरे में लेना है और उसमें ही आपको उसको क्रियान्वित करना है, लेकिन अगर मैं जनगणना की बात करूं तो ये पूरे एक भारत देश को लेकर के उसकी जनगणना होनी है और उससे उसके बाद परिसमन होना है, और जनगणना को लेकर बार बार छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि आप 2011 के बाद से जनगणना नहीं हो रही है, 2011 के बाद से 21 में होना था इसको, लेकिन क्वारंटाइन होने की वजह से, कोरोना होने की वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई, उस वजह से जनगणना भी नहीं हो पाया, और शायद सरकार ने इसको उतना महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली में नहीं शामिल किया होगा, और जिस तरह से अभी ये अचानक से विधेयक पास हुआ, तो विधेयक तो कई सालों से 27 सालों से चला आ रहा था, और मैं फिर बोलूंगी कि कांग्रेस सरकार के पाले में था, पूर्ण बहुमत में हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, चलिए देर आए दुरुस्त आए, अभी हुआ, अब उसके लिए जरूरी है कि हम सिस्टमेटिक ढंग से आगे हम अपने जो भी है क्रियान्वयन उसको रूपरेखा को तैयार करें, तो रूपरेखा बनाना इतना आसान नहीं है रेणु जी कि 2024 तक में वो फटाफट हम लागू कर लें, मतलब अगर हम, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाए कि ऑनलाइन सिस्टम से हम सारा कुछ उसको डाटा कलेक्शन और ये सब करें, तो मे बी पॉसिबल कि उसके लिए हम एक पूरा सेटअप एक लगा करके, मतलब सारे लोग कांग्रेस की जिस तरीके से एक शंका है कि 2024 के चुनाव को लेके ये बिल लेके आया गया है, तो ये पूरी तरीके से हम खारिज कर सकते हैं कि 2024 में ये लागू नहीं हो पाएगा। हाँ देखिए, इसमें क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले आपको पूरी जनगणना करना है, फिर उसके अंदर भी परिसमन में आप आरक्षण पे आप हर जाति वर्ग विशेष ओबीसी एसटी एससी सारे लोगों को निकाल करके फिर 1/3 उसमें आपको ये डिवाइड करना है, तो ये चीजें मुझे नहीं लगती कि इतनी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा अगर हम आरक्षण की बात करें, कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार के द्वारा रखा गया था वो बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर था, क्योंकि आप किसी नियम को तोड़ मरोड़ करके किसी एक्ट प्रावधान को रख रहे हैं जो उस आरक्षण एक्ट के अगेंस्ट है, और आपको मालूम है कि इतने परसेंट कहीं भी आरक्षण संभव ही नहीं है, आपने क्वांटिफाइबल डाटा कहीं प्रस्तुत ही नहीं किया, तो इतनी खामियां निकली और खुद ही वो अपने ही कहीं ना कहीं घेरे में आ गए सवाल में, तो आप इस तरह से कुछ भी आनंद फानंद में डिसीजन नहीं ले सकते जो आपके खिलाफ ही जाए और जनता के लिए एक अविश्वास का कारण बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि संवेदनशील मुद्दा है, इसमें समय लेकर के सभी कानून और जितनी भी उसकी बारीकियां हैं उसको समझते हुए उसके अनुसार ही अगर किया जाए तो लागू करना ज्यादा बेहतर होगा, वरना हाथी के दांत की तरह हो जाएगा। और रही बात, मैं पहले ये बात को कर चुकी हूँ और अभी फिर करना चाहूंगी कि हम अगर बात करते हैं तो महिलाओं के हिस्से में हमेशा प्रताड़ित होना, कहीं ना अत्याचार का शिकार होना ये आता रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई राजनीति मंशा हो ये मैं नहीं मानती। अगर बात यहाँ करूं छत्तीसगढ़ सरकार में भी भूपेश सरकार ने गंगा जल लेके कसम खाया था कि हम शराबबंदी करेंगे, महिलाओं का बढ़ चढ़ के वोट उनको मिला, लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ? हम आज 5वां साल है और हम आस लगाने के बाद अब तो हम पूरी तरह से टूट चुके हैं कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में हो नहीं सकती। चलिए इनका शराबबंदी पे भी चर्चा की जा सकती, क्योंकि आप तीनों महिलाएं हैं तो मुझे लगता है शराबबंदी पे भी हमें एक बार चर्चा करनी चाहिए। पूजा जी मेरा आपसे एक सवाल है,
15 साल के लिए है ये जो विधेयक हुआ है, और उसके बाद में अगर पे आपको लागू करना है तो फिर से 15 साल का आपको फिर से तैयारी करना पड़ेगा, और 15 साल के बाद में इस अधिनियम को फिर से उसी तरीके से पेश होना पड़ेगा, उसी तरीके से तैयारी होगी, फिर वो लागू होगा। ये 15 साल वाली बात क्या आ गई? अगर करना ही है आपको, महिला के आप इतने हितैषी हैं, तो वो पूरा का पूरा एक कंटिन्यू रहना था, 15 साल का रोड़ा क्यों रखाया? देखिए, 15 साल का कोई रोड़ा नहीं था। हमने कभी अपने मैनिफेस्टो में शराबबंदी की बात कही नहीं थी। तो ये जो है विपक्ष ने ही ये मतलब सवाल उठा रहा है कि भाजपा के राज में। पूजा जी, मैं शराबबंदी की बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात को समझिए। मैं आपको शराबबंदी को लेके बात नहीं कर रही हूँ। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है वो 15 साल के लिए ही है, उसके बाद 15 साल, तो 15 साल वाली बात क्यों आई है? 15 साल के बाद जो भी सरकार रहेगी, चाहे भाजपा की सरकार, उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है 33% जो है 50% हो जाए, ये भी हो सकता है। तो उसमें जो है कुछ भी मतलब जो ये 15 साल के बाद जो है उसमें कोई भी चेंजेस आ सकती है, ये मतलब उसमें अभी तक पता चला भरोसा नहीं है भाजपा सरकार को सिर्फ 15 साल के लिए? क्यों? क्या महिलाएं आज अंतरिक्ष में नहीं है, स्पेस पे नहीं है? क्या वो अंडरग्राउंड वाटर पे काम नहीं कर रही है? क्या वो बड़े से बड़े एग्रीकल्चर से लेकर के आपके सारे मुकाम को हासिल की हुई है? देखिए, 15 साल का क्यों? हर क्षेत्र में जो है बहने आज सबसे आगे हैं, इसीलिए मोदी जी ने जो है देश की बहनों की। चलिए गजाला जी, समय बहुत कम है। गजाला जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर हम प्रैक्टिकली सोचा जाए, प्रैक्टिकली सोचे तो जैसे अभी हमारे ममता जी भी बोल रही हैं, प्रैक्टिकली सोच के ही बोल रही हैं। वही चीज मैं पूजा जी को ही समझाना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज अचानक से नहीं आके हाजिर हो जाएगा। कोई भी चीज को करने के लिए प्री प्लानिंग होता है। इस एक्ट को लाने की कोशिश, इस एक्ट के लिए आवाज लाने की कोशिश 2001 में भी हुई, 2010 में भी हुई, 1992 से पहले 1999 में सबसे पहले हमारे नेता राजीव गांधी जो स्वर्गीय है उन्होंने इस एक्ट का शुभारंभ किया, उन्होंने इस चीज को लाया। ये हमारी सोनिया गांधी जी का सपना रहा है हमेशा से। चलिए, महिलाओं के लिए आरक्षण। चलते चलते मैं ममता जी से पूछना चाहूंगी, और इन्होंने ऐन मुद्दे को, ममता जी, जैसा कि 15 साल वाली बात आ रही है कि 15 साल के लिए है ये, और अधिनियम जो बना है वो 15 साल के लिए, 15 साल के बाद में फिर उसी प्रोसेस के साथ में लागू करना पड़ेगा। क्या ये इससे सराकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि 15 साल के लिए किसी महिला बिल को आप इस तरह से लेकर के आ रहे हैं तो 15 साल में क्या किसी महिला की काबिलियत भारत देश में खत्म हो जाएगी? महिलाओं का क्या राजनीतिकरण समाप्त हो जाएगा? क्या उन महिलाओं को वो हक अधिकार छीन लिया जाएगा? ये पूरी तरह से मैं इसको विरोध करती हूँ, क्योंकि इसको हमेशा के लिए लागू होना चाहिए। आज आप महिलाओं को अगर मौका नहीं देंगे, आप आरक्षण लागू भी कर दिए, लेकिन उनको अगर आप नहीं चुनाव के लिए उनको टिकट देते हैं, तो महिलाएं तो आज भी आपका ही चेहरा देख रही हैं। तो महिलाएं इतनी बेबस क्यों है, लाचार क्यों है? मैं तो कहना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे इस तरह से आरक्षण लगाया गया है, महिलाएं टिकट नहीं मिलता है तो बिल्कुल निर्दलीय खड़े हो जाए। अगर आपकी काबिलियत है तो जनता आपको पसंद करेगी और आपको चुनाव जिताएगी। आप पार्टी का मुंह ना देखें, क्योंकि आपकी काबिलियत आपका डंका बजाता है। आप दूसरों के पीछे लीक पे चलने वाले बन करके कब तक आप अपनी क्वालिटी को, समय की कमी को देखते हुए मैं यहाँ पर ये मुद्दे को अभी यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। इस बिल के रेणु जी, एक लाइन महिलाओं के लिए बोलूं। जी 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 बोलिए। बाधाएं क्या बांध सकेंगी पथ में चलने वालों को, और विपदाएं क्या मार सकेंगी मरकर जीने वालों को? तो सभी महिला बहनों को मेरा सलाम, जय जोहार, और आप में काबिलियत है, आप खुद आगे बढ़िए। चलिए, तो आज का जो मुद्दा था कि नारी की बढ़ेगी भागीदारी, इसमें आप सभी ने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया। इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। महिलाओं के आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा, 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। इसका मतलब यही मान रहे हैं कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी जो है का संघर्ष है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। नारी की भागीदारी के लिए उन्हें एक लंबा रास्ता फिर तय करना पड़ेगा, और आप सभी महिलाओं ने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।